सर्वरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। नब्बदों के तीर फेंके नब्बदों के तीर फेंके ना इल्तिजा की सदाएं दी हैं। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। नब्बदों के तीर फेंके ना इल्तिजा की सदाएं दी हैं। नबी ने अपने मुखालिफों को सितम के बदले दुआएं दी हैं। नबी ने अपने मुखालिफों को सितम के बदले दुआएं सितम के बदले दुआएं दी हैं। नबी ने अपने मुखालिफों को जिंदाबाद। बहुत और एक क्या बहुत बड़ा शेर, बहुत बारहा सुना, एक एक लहजे से पहुंचाता हूँ समाज करने। तमाम मखलूक में कहीं भी हुजूर जैसा कोई नहीं है। शेर सुनिए आप सब। तमाम मखलूक में कहीं भी हुजूर जैसा कोई नहीं है। तमाम मखलूक में कहीं भी हुजूर जैसा कोई नहीं है। क्या जबान है इस भाई सुभान अल्लाह, बराबरी की हवाएं दी है भाई, क्या कहने सुभान अल्लाह, वो कम नसब है। वाह वाह। अभी वाहिद अंसारी ने कहा था कि आप शेर सुनिए और इन लोगों पे जाहिर कर दीजिए कि हम समझ रहे हैं। बस उसी उसी ख्याल में शेर सुनिए। ये शेर जो है इन लोगों के समझ आपके समझने की बात में बात। वो आदमी कम नसब है जिसने बराबरी की हवाएं दी हैं। वो आदमी कम नसब है जिसने बराबरी की हवाएं दी। तमाम मखलूक में कहीं भी हुजूर जैसा कोई नहीं है। तमाम मखलूक में कहीं भी हुजूर जैसा कोई नहीं है। वो आदमी कम नसब है जिसने बराबरी की हवाएं। बहुत अच्छे। वो आदमी कम नसब है जिसने बराबरी की हवाएं दी। क्या अच्छी जबान है भाई, जिंदाबाद। और शेर मुलाहजा कर लें, यहाँ आले रसूल मौजूद हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं ये शेर पहुंचाता हूँ। वो आदमी कम नसब है जिसने बराबरी की नबूवत उन पे तमाम कर दी मगर खुदा ने अली के घर में। क्या कहने हैं, नबूवत पर तमाम कर दी मगर नबूवत उन पे तमाम कर दी मगर खुदा ने अली के घर में। किसी को किसी को उनकी अदाएं दी हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उनकी झलक अता की किसी को उनकी अदाएं
जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का सूरज बुझा न पाया, यजीद बुने माविया ने। अली का सूरज बुझा न पाया, यजीद बुने माविया ने। दिया समझ कर हवाएं समझता, दिया समझ कर हवाएं दी हैं। जलील कित दर्जा बद समझता, हवा समझ दिया समझ कर हवाएं दी हैं। उन्हीं के दम से तेरे बदन को अल्लाह यजीदियत छू न पाई अब तक। उन्हीं के दम से तेरे बदन को यजीदियत छू न पाई अब तक। नबी की शहजादियों ने इस्लाम तुझको अपनी रिदाएं दी। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, इस्लाम तुमको रिदाएं दी हैं। मुबारक हो भाई, बहुत बड़ा शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह, क्या कहते हैं। उन्हीं के दम से, उन्हीं के दम से तेरे बदन को यजीदियत छू न पाई अब तक। उन्हीं के दम से तेरे बदन को यजीदियत छू न पाई अब तक। नबी की तुझको अपनी रिदाएं दी हैं। नबी की शहजादियों ने इस्लाम तुझको अपनी रिदाएं दी हैं। दुरूद पाक पढ़ने एक मर्तबा आप हज़रात। नबी की शहजादियों ने इस्लाम तुझको अपनी रिदाएं दी हैं। नबी की शहजादियों ने इस्लाम तुझको रिदाएं दी। कितना उड़ेगी दुनिया शकील, कितना उड़ेगी दुनिया। मैं आगे भी कुछ सुनूंगा इसलिए इसको यहाँ खत्म करता हूँ। क्या शकील कितनी उड़ेगी दुनिया। शकील कितना उड़ेगी दुनिया, पकड़ से उसकी न बच सके। बहुत अच्छे। शकील कितना उड़ेगी दुनिया, पकड़ से उसकी न बच सकेगी। उसी ने उड़ने को पढ़ दिए हैं, उसी खुदा ने खलाए दी हैं। उसी खुदा ने खलाए दी है, वाह वाह, जिंदाबाद, खलाए दी हैं। बहुत आइए, अब एक कोई ठोकर न लग जाए, क्या बात है, कोई जिंदा न हो जाए। वाह वाह। अब सुना शेर के, कोई ऐसा न हो जाए, कोई वैसा न हो जाए। क्या कहने हैं मिश्रा, बोल रहा भाई, कोई ऐसा न हो जाए, कोई वैसा न हो जाए। देखिए 14 नवंबर को उधर इमरान भाई बैठे हैं, सैयद शाह जफर इकबाल साहब, मैं उनके हवाले से अक्सर अपने अहबाब में अपने मुतालिकीन में एक जुमला बोलता हूँ कि जो अल्लामा इकबाल की शायरी में मुसलमान मैंने पढ़ा है वो हज़रत को ही देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके तवस्सुल से और भी लोगों को देख लेता हूँ। बतौर ख़ास 14 नवंबर को बहुत खसूसी मुकर्र हैं, आप लोग जो जहाँ से पहुँच सकते हैं पहुँचे। बहुत बड़ी गुंबद-ए-खज़रा कॉन्फ्रेंस है,
अभी चंद दिन के बाद, पोस्टर भी मौजूद है यहाँ, लगा भी दिया गया, देख लीजिएगा। कोई ऐसा न हो जाए, कोई वैसा न हो जाए, ये तुम सोचो हमारा कद कहीं बौना न हो जाए, कोई वैसा न हो जाए, ये तुम सोचो तुम्हारा कद कहीं बौना न हो जाए, तुम्हारा कद कहीं बौना न हो जाए। हमें फखरुल मशायख ने समंदर करके छोड़ा है, हमें क्या गम कोई कचरा कहीं दरिया न हो जाए। मशायख ने समंदर करके छोड़ा है, क्या कहने हैं, क्या गम कोई कचरा कहीं दरिया न हो जाए, हमें क्या गम कोई कचरा कहीं दरिया न हो जाए, हमें क्या गम कोई कचरा कहीं दरिया। जितने शेर पढ़ेंगे मैं सब में यही खड़े खड़े शेर कह सकता हूँ, ये इन बुजुर्गों का करम है, मैं पहुँचाता हूँ। कहे हमें क्या गम कोई कचरा कहीं दरिया न हो जाए, दोनों आलम का खजाना चाहिए, सैयदा जहरा का सदका चाहिए, सैयदा जहरा का सदका चाहिए। दामने फखरुल मशायख थाम लें जिनको हर गम का मदावा चाहिए, दामने फखरुल मशायख थाम लें जिनको हर गम का मदावा चाहिए। मनकबत के और भी शेर हैं, अच्छे शेर पढ़े सुभान अल्लाह, मुफ्ती बरतानिया की बारगाह में भी शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और हुजूर फखरुल मशायख के साहिब उर्स की बारगाह में एक नाद जमीन देखें, बरसों लगता है शेर कहने में, किसी के शेर तो कभी भी आप पढ़ने लगे, क्या बात है ना, नकीब का हक भी होता है लेकिन शेर कहने में बरसों लगता है। मैं मतलब पहुंचा रहा हूं समाज के, खुश्क शेरों में शायर का लहू होता है तब नजर आती है एक मिसरे तर की सूरत, क्या बात। मीर तकी मीर का ये शेर मैंने निसाब पढ़ा, खुलासा करूं